तो हेलो मराडर फैमिली दोस्तों, अगर आपकी हाइट बहुत ही ज्यादा कम है और आप 2023 में एक बाइक को परचेज करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए होने वाली है। आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 2023 की तीन ऐसी बाइकों के बारे में बताने वाला हूं जो स्पेशली शॉर्ट राइडर के लिए ही बनाई गई है। आपकी हाइट चाहे कितनी भी कम क्यों ना हो, आप इन तीनों ही बाइक को बहुत ही आसानी से हैंडल कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं वो तीनों ही बाइक कौन सी होने वाली है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं नंबर तीन से। तो दोस्तों जो बाइक नंबर तीन पर आती है वो रॉयल इनफील्ड की मिटियोर 350। दोस्तों इस बाइक की जो सीट हाइट है वो काफी ज्यादा कम है, इसलिए यह बाइक शॉर्ट राइडर के लिए बिल्कुल परफेक्ट बाइक है। इस बाइक को कोई भी शॉर्ट हाइट वाला व्यक्ति आसानी से राइड कर पाएगा। यह एक क्रूजर सेगमेंट की बाइक है जो कि काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी है। इस बाइक के जो लुक है वो भी बहुत ही ज्यादा शानदार है। अगर हम इस बाइक के फ्रंट सेक्शन के बारे में बात करें तो इस बाइक के फ्रंट में आपको एलईडी हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा और इस बाइक के जो इंडिकेटर है वो आपको हैलोजन में देखने के लिए मिल जाएंगे और बाइक के रियर में आपको एलईडी टेल लाइट भी देखने के लिए मिल जाएगी। बाइक का जो मीटर कंसोल है वो बहुत ही ज्यादा शानदार है जो कि राउंड शेप का और क्रोम की फिनिशिंग के साथ आता है और डिजिटल आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको मात्र 2,20,000 के एक्सशोरूम प्राइस में इंडिया में अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों अगर हम नंबर दो पर आने वाली बाइक के बारे में बात करें तो वो है जावा की 42 बोबर। इस बाइक को इंडिया में पिछले साल 2022 में ही लॉन्च किया गया था। ये बाइक शॉर्ट राइडर के लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट बाइक है। इस बाइक की जो सीट हाइट है वो काफी ज्यादा कम है। इस बाइक में आपको 750 mm की सीट देखने के लिए मिलती है और इस बाइक को स्पेशली शॉर्ट राइडर के लिए ही बनाया गया है। इस बाइक को कोई भी शॉर्ट राइडर आसानी से हैंडल कर पाएगा। इस बाइक के जो लुक है वो भी इस बाइक में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन प्रोवाइड करवाए गए हैं। दोस्तों अगर हम इस बाइक के फ्रंट सेक्शन के बारे में बात करें तो इस बाइक के फ्रंट में आपको एलईडी हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। बाइक के जो इंडिकेटर हैं वो भी आपको एलईडी में ही देखने के लिए मिलेंगे और बाइक की जो रियर टेल लाइट है वो भी आपको एलईडी में ही देखने के लिए मिलेगी। बाइक का जो मीटर कंसोल है वो आपको राउंड शेप का देखने के लिए मिलेगा जो कि डिजिटल होने वाला है। अगर हम इस बाइक के इंजन के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको 334 cc का काफी ज्यादा पावरफुल इंजन देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों अगर हम इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको मात्र 2,09,000 के एक्सशोरूम प्राइस में इंडिया में अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नंबर वन पर आने वाली बाइक के बारे में। तो दोस्तों अगर आपका बजट कम है और अगर आप एक कम बजट में एक बेहतरीन बाइक परचेज करना चाहते हैं तो इससे बेस्ट आपके लिए कोई और बाइक नहीं हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ बजाज की एवेंजर 160 के बारे में, जिसे स्पेशली शॉर्ट राइडर के लिए ही डिजाइन किया गया है। इस बाइक की जो सीट हाइट है वो काफी ज्यादा कम है। इस बाइक में आपको मात्र 737 mm की सीट हाइट देखने के लिए मिलती है। इस बाइक को कोई भी शॉर्ट राइडर आसानी से हैंडल कर सकता है। दोस्तों यह एक क्रूजर बाइक है जो कि इस बाइक की सबसे ज्यादा खास बात है और इस बाइक में आपको डुअल सीट भी देखने के लिए मिलती है जो पिलियन राइडर और राइडर के लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। आप इस बाइक से आसानी से लॉन्ग राइड भी कर पाएंगे। अगर हम इस बाइक के ओवरऑल लुक के बारे में बात करें तो इस बाइक के जो लुक है वो भी काफी ज्यादा बेहतरीन है। अगर हम इस बाइक के फ्रंट सेक्शन के बारे में बात करें तो इस बाइक के फ्रंट में आपको हैलोजन हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिलेगा और इस बाइक के जो इंडिकेटर है वो भी आपको हैलोजन में ही देखने के लिए मिलेंगे। बाइक के रियर में आपको हैलोजन टेल लाइट देखने के लिए मिलती है। अगर हम बाइक के मीटर कंसोल के बारे में बात करें तो बाइक में आपका एनालॉग वाला मीटर कंसोल देखने के लिए मिलता है। ओवरऑल बाइक के जो लुक है काफी अच्छे हैं। तो दोस्तों अगर हम इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको मात्र 1,12,000 के एक्सशोरूम प्राइस में इंडिया में अवेलेबल हो जाएगी जो कि इंडिया की सबसे ज्यादा सस्ती क्रूजर बाइक है। तो दोस्तों आपको इन तीनों ही बाइक में से कौन सी बाइक सबसे ज्यादा बढ़िया लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें सुपर थैंक भी सेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय।